यशिया का ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 17। इसराइल का प्रकाश आग और परम पावन प्रभु ज्वाला बनेगा। वह एक ही दिन में उसका काटीला झाड़ी झंखाट जलाकर भस्म कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु क्रिस्त में कृपाग्नि प्रोग्राम में आप सबों का हार्दिक स्वागत। प्यारे भाई और बहनों, आज मसीह प्रभु परमेश्वर प्रकाश बनकर हमारे बीच में निवास करते हैं और प्रभु हमारी रक्षा करना चाहते हैं। ये प्रकाश के रूप में, ये प्रकाश के दीवार बनकर प्रभु हमारी रक्षा करते रहते हैं। उस प्रभु के संरक्षण में हम अपने को धन्य मानते हैं। हालेलुया। आज हम इस विषय पर मनन चिंतन करें कि दूसरों का विश्वास देकर प्रभु अनेक लोगों को चंगा कर देते हैं। इधर लोगों का विश्वास देकर ईसा मसीह रोगियों को, मरीजों को चंगा कर देते हैं। हम अपनी पवित्र सुसमाचार की ओर देखें। लूकास के सुसमाचार अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर बताया गया है कि जायरोस नामक एक व्यक्ति की बेटी, वो मर गई थी, उसको प्रभु ईसा मसीह पुनर्जीवन प्रदान करते हैं। वो जायरोस ईसा मसीह के पास आकर उनसे विनती की, प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कीजिए, उन्हें फिर से जीवन प्रदान कीजिए, वो अपना प्राण छोड़ चुकी है। ईसा मसीह वहाँ आकर प्रार्थना की, उस बेटी को जीवन प्रदान करते हुए, उसे अपने अप्राण निवेशते हुए उसे जीवन प्रदान करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर मनन चिंतन करने की बात यह है कि उस बेटी का विश्वास नहीं बल्कि उसके पिता का विश्वास इस बेटी को जीवन प्रदान किया। हालेलुया। हालेलुया। और एक दृष्टांत हम, घटना हम सुसमाचार में देखेंगे। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 7 में हम देखते हैं, वहाँ पर एक बहरे गूंगे व्यक्ति को लोग ईसा के पास लेके आते हैं। वो जन्म से बहरे गूंगे हैं, बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, लेकिन जिन लोगों ने उस व्यक्ति को ईसा मसीह के पास लेके आया, उनका विश्वास देकर उस लड़के को चंगा कर देता है। इसी तरह हम देखें कि हमारा विश्वास देकर प्रभु कार्य करने के लिए तैयार है। हमारे मन में जो विश्वास है, अपने जीवन में जो विश्वास है, उसको देकर दूसरों के जीवन में कार्य करने के लिए प्रभु तैयार है। यदि हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें तो जरूर प्रभु हमारी प्रार्थना भी सुन लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हम और देखते हैं संत मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 6 में हम देखते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग ईसा मसीह को पहचान कर, मरीजों को लेकर, रोगियों को लेकर, आपदूतग्रस्त लोगों को लेकर ईसा मसीह के पास आते हैं। उन्होंने ईसा मसीह को पहचान लिया। सुसमाचार में ऐसा बताया गया है कि उन्होंने ईसा मसीह को पहचान लिया कि ये प्रभु है, ये जीवित प्रभु है, ये जीवन प्रभु है, ये परमेश्वर का पुत्र है। ईसा मसीह को पहचान कर, उनका सामर्थ्य को पहचान कर, उनकी शक्ति को पहचान कर, लोग मरीजों को, आपदूतग्रस्तों को सब ईसा मसीह के पास लेके आते हैं और प्रभु ईसा मसीह ये उनका विश्वास देकर उन्हें भी चंगे कर देते हैं। हालेलुया। इस तरह हम देखेंगे जहाँ जहाँ पर लोग विश्वास के साथ रोगियों को, मरीजों को प्रभु के पास लेके आते हैं, ईसा मसीह उन्हें चंगा कर देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, इसका मतलब यह है प्रभु चाहते हैं कि हम भी ईसा मसीह पर विश्वास करें और विश्वास के साथ जितने लोगों को हम प्रभु की ओर उठाते हैं, हम स्वर्ग की ओर उठाते हैं कि वह ईसा मसीह के सामने विश्वास के साथ हम जिन लोगों को रख देते हैं उनके लिए प्रभु आशीर्वाद देते हैं, उनके लिए प्रभु कार्य करने के लिए, चमत्कार करने के लिए प्रभु तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। संत मार्कुस के सुसमाचार में और हम देखते हैं अध्याय 2 में, वहाँ पर हम देखते हैं कि एक अर्धांग रोगी को ईसा के पास लेके आते हैं। लोग एक अर्धांग रोगी को ईसा के पास लेकर आते हैं।
लेकिन भीड़ के कारण वो ईसा के पास पहुंच नहीं पाए। इतनी भीड़ ईसा मसीह के चारों तरफ जमा हो गए थे कि लोग उसे इस व्यक्ति को इस अर्धांग रोगी को ईसा के पास लेकर जा नहीं पाए। उस समय उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा किसी भी तरह हमें इस व्यक्ति को ईसा के सामने लाना है, किसी भी तरह किसी भी प्रकार से इस व्यक्ति को प्रभु के सामने रख देना चाहिए, प्रभु के नजरों के सामने इसको लाना चाहिए। उन्होंने क्या किया, वो लोग छत पर चढ़ गए, छत पर चढ़कर वहाँ से उन्होंने कवेल हटाकर छत निकालकर उस व्यक्ति को, उस अर्थांग रोगी को पलंग के साथ नीचे उतारा। पलंग के साथ उन्होंने प्रभु को, उस व्यक्ति को प्रभु के सामने उतारा। और वचन में लिखा गया है कि उनका विश्वास देकर प्रभु ने उन्हें चंगा किया, उनका विश्वास देकर प्रभु ने उन्हें चंगा किया। प्यारे भाई और बहनों, उनका विश्वास देकर, शिष्यों का विश्वास देकर, जिन लोगों ने उस अर्धांग रोगी को ईसा मसीह के पास लेके आया, उनका विश्वास देकर प्रभु ने उन्हें चंगा किया है। इस तरह हम देखें तो हमारा भी विश्वास देकर प्रभु हमें भी चंगा कर देंगे, दूसरे लोगों को भी प्रभु चंगा कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास एक बड़ी चीज़ है जिसके माध्यम से हम बहुत कुछ पा सकते हैं परमेश्वर से, बहुत कुछ हम मिल सकते हैं, परमेश्वर से हासिल कर सकते हैं। यदि आपने अभी विश्वास के साथ प्रार्थना की तो आप जिसके लिए प्रार्थना करते हैं वो व्यक्ति इस दुनिया में कहीं भी हो, उस व्यक्ति को प्रभु की कृपा प्राप्त होगी, प्रभु की बरकत प्राप्त होगी। हालेलुया। प्रभु का वचन ये कहता है कि यदि आप विश्वास के साथ प्रभु की ओर अपनी प्रार्थनाएं उठाएं, अपना दिल खोलें, तो जरूर प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेंगे और आपको उत्तर देंगे। संत अगस्तीन के जीवन में हम जानते हैं कि संत मोनिका ने उनके लिए बहुत प्रार्थना की। अगस्तीन में एक पापमय जीवन बिताने वाले व्यक्ति था, उस व्यक्ति को ईश्वर ने छूकर स्पर्श करके उन्हें एक पवित्र बनाया, एक पवित्र व्यक्ति बनाया, एक संत बना दिया। कारण क्या है, संत मोनिका ने आंसू बहाते हुए उनके लिए प्रार्थना की। आंसू बहाते हुए संत मोनिका ने अपने बेटे के लिए परमेश्वर के पास प्रार्थना की और उनके आंसू देखकर, उनका विश्वास देखकर, उस माता का विश्वास देखकर प्रभु ने उन्हें चंगा किया है और प्रभु ने उन्हें नया बनाया है, नई सृष्टि बनाया है और कलीसिया का श्रेष्ठ संत बनाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं होती है। आज आप विश्वास के साथ प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं तो जरूर प्रभु आपका भी प्रार्थना सुनेंगे। हालेलुया। या हम सुसमाचार में हम देखते हैं कि कुछ लोगों को ईसा मसीह के चेले चंगा कर नहीं पाए, कुछ लोगों को अबदूतों से बचा नहीं पाए। कारण क्या है, वो लोग ईसा मसीह के पास आते हैं उनको लेकर, तब ईसा मसीह कहते हैं कि तुम्हारा अल्प विश्वास की कमी के कारण, कमजोरी के कारण आप इन्हें ठीक नहीं कर पाए हैं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यदि हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें तो जरूर प्रभु हमें भी आशीर्वाद देंगे, हमें भी चंगा कर देंगे और जिन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं उन्हें प्रभु आशीर्वाद देंगे। हालेलुया। संत मत्ती का सुसमाचार में अध्याय 17 में हम देखते हैं, वहाँ पर एक अवधूतग्रस्त लड़का को ईसा मसीह के पास लोग लेके आते हैं, एक अवधूतग्रस्त लड़का। उन्होंने इस लड़का को लेकर ईसा मसीह के शिष्यों के पास ले गए थे, लेकिन वे लोग इन्हें चंगा कर नहीं पाए क्योंकि इनका विश्वास कमजोर था। कमजोर विश्वास के साथ यदि हमने प्रार्थना की, इसी संदेह के साथ, शंका के साथ यदि हमने प्रार्थना की तो हमें आशीर्वाद मिलना मुश्किल है। इसलिए इसी विश्वास के साथ, पक्का विश्वास के साथ हमें प्रार्थना करना चाहिए कि जिन बातों के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, मेरे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, वे सब चीज़ें प्रभु हमें दे देंगे। इसी विश्वास, अटल विश्वास के साथ हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप ईसा मसीह में विश्वास करने वाला व्यक्ति है, प्रभु ईसा के सामर्थ्य को पहचानने वाला व्यक्ति हैं, यदि आप विश्वास करते हैं कि आज वो प्रभु जीवित है, आज भी वो कार्य करता रहता है, आज भी उनके हाथ सामर्थ्य का वो हाथ हमारे बीच में है,
तो यदि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें, आप दूसरों के लिए प्रभु के सामने प्रार्थना करें, तो जरूर आपकी प्रार्थना सुनकर प्रभु उन्हें आशीर्वाद देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ दिन पहले केरल के अस्पताल में हुई एक घटना मैं आपसे बताना चाहता हूँ। वहाँ पर एक व्यक्ति बहुत बीमार होकर भर्ती हो गया था। लगभग 2 हफ्ते अस्पताल में भर्ती था। वहाँ इस व्यक्ति की विशेषता यह है, उन्हें किसी भी ईश्वर में विश्वास नहीं है। एक नास्तिक व्यक्ति, किन्हें ईश्वर पर विश्वास नहीं है। वह सोचता है कि ईश्वर ऐसा कुछ नहीं है, सब विज्ञान की देन की है, विज्ञान की देन की है। जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ हम देखते हैं, वह सब विज्ञान की देन की है। परमेश्वर ऐसा कोई नहीं है, इंसान के ऊपर ऐसा कोई नहीं है। इसे विश्वास के साथ जीवन बिताने वाला व्यक्ति, कभी उन्होंने परमेश्वर के पास दुआएं नहीं की, प्रार्थना नहीं की, किसी के सामने हाथ जोड़ा भी नहीं, किसी भगवान के सामने, ईश्वर के सामने उन्होंने कभी हाथ जोड़ा नहीं, इसी तरह जीवन बिताने वाला व्यक्ति। लेकिन क्या हुआ आप जानते हैं, उस अस्पताल में भर्ती हो गया उस समय से एक सिस्टर वहाँ पर इस व्यक्ति के लिए रोसरी करते हुए प्रार्थना कर रही थी। जब से इनका भर्ती हो गया उस समय से सिस्टर इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रही थी। और चमत्कार हुआ प्यारे भाई और बहनों, अपने घर लौटने के पहले अस्पताल से छुट्टी होने का दिन, छुट्टी का दिन उन्होंने सिस्टर से ये बोला, सिस्टर मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए, मुझे एक रोजरी माला दे दीजिए, मैं भी प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं भी प्रार्थना करना चाहता हूँ और मैं प्रभु को जानना चाहता हूँ, ईश्वर को जानना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इस व्यक्ति को, उस सिस्टर के विश्वास ने इस व्यक्ति को छू लिया है। उस व्यक्ति ने देखा कि ये सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ये मेरे लिए प्रभु के पास विनती कर रही है, और उनका विश्वास हो गया कि इनकी प्रार्थना के द्वारा ही आज मैं चंगा हो गया हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम भी इसी तरह विश्वास करें, इसी विश्वास के साथ हम प्रभु के पास आए तो जरूर प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेंगे। शायद हम सोचते होंगे कि चारों तरफ हमारे दुश्मन थे, चारों तरफ लोग हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं, हमारे विरुद्ध खड़े हो गए हैं। लेकिन आपको हिम्मत हारने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने हाथ में पवित्र रोसरी माला उठाइए और प्रार्थना कीजिए। आप ईसा मसीह के सामने उपस्थित होकर वहाँ पर उन लोगों को रेख दीजिए जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आपको तकलीफ दे रहे हैं, आपको जीवन में आपको दुख दे रहे हैं। उन लोगों को आप ईसा मसीह के सामने रखकर प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपकी प्रार्थना सुनकर, आपका विश्वास देकर प्रभु उनके जीवन में कार्य करेगा, उनका हृदय को, उनके जीवन को प्रभु छू लेगा और उन्हें बदल कर आपका मित्र बना देंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, वह प्रभु को स्वीकारें, अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकारें, ताकि प्रभु हमारा विश्वास देकर हमें भी चंगा करें। जिन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं उन्हें हम प्रभु के सामने रखें। हालेलुया, हालेलुया। और एक घटना मैं आपसे बताना चाहता हूँ। कुछ महीने पहले एक दिल्ली में एक टेस्ट हुआ था। एक नर्सिंग करने वाली एक लड़की, उसको विदेश जाने के लिए एक इंटरव्यू था, एक टेस्ट था। वो पढ़ने में कमज़ोर थी, वो इतनी डर रही थी कि मैं कैसे टेस्ट दूं, किस प्रकार मैं इसका सामना करूं, इस प्रकार वो डरने वाली व्यक्ति है। लेकिन जिस दिन टेस्ट हो रहा था उस दिन उसका पिता ने केरल में एक गिरजाघर में जाकर, चर्च में जाकर, जहां पर परम प्रसाद की आराधना होती है, वहां पर जाकर उन्होंने प्रभु के सामने प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना सुनकर, उनका विश्वास देकर इस लड़की को भी परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया, उस टेस्ट में पास होने का अवसर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपके सामने एक फादर बनकर खड़ा हूँ, एक प्रभु ईसा मसीह का एक अभिषिक्त बनकर, एक पुरोहित बनकर मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ये मेरी योग्यता से नहीं है, ये मेरी कृपा नहीं है, मेरे पुण्य का फल नहीं है। ये मैं इसलिए खड़ा हूँ कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए प्रार्थना की। बचपन से ही उन्होंने मेरे को ईसा मसीह को सौंप कर, उनके भावान हाथों में सौंप कर मेरे लिए उन्होंने प्रार्थना की
और आज मैं विश्वास करता हूँ जितनी आंसू मेरी माँ ने मेरे लिए बहाया है उस आंसू की वजह से आज मैं आपके सामने प्रभु का वचन देने के लिए इस प्रचार कार्य करने के लिए खड़ा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हर एक व्यक्ति के जीवन में उन्हें उठाने के लिए किसी न किसी व्यक्ति की ज़रूरत होती है, किसी न किसी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। आप तैयार हैं ईसा मसीह के नाम पर प्रार्थना करने के लिए? तैयार हैं आप दुनिया के लिए प्रार्थना करने के लिए? तैयार हैं? आजकल आप देखते हैं कि दुनिया में चारों तरफ अंधेरा फैल रहा है, कि सब तरह बुराइयां हैं, लोग पाप पर पाप करते जा रहे हैं, करते रहते हैं, लेकिन प्रभु आज इस दुनिया पर अपनी दया दिखा रही है। इसलिए दिखा रही है क्योंकि इस दुनिया में प्रभु के सामने इस दुनिया के लिए, दुनिया के हर एक देश के लिए, हर एक जनता के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने वाले बहुत सारे लोग हैं। वे लोग 24 घंटे परम प्रसाद लेकर ईसा मसीह के सामने बैठकर वे लोग प्रार्थना करते रहते हैं कि हे प्रभु, इस दुनिया पर, इस संसार पर दया कीजिए, दया कीजिए, इन्हें सजा मत दीजिए, इन्हें दंड ना दीजिए, इन पर दया कीजिए। इसी तरह ये लोग आग्रह के साथ विनती करते हैं, आंसू के साथ प्रार्थना करते रहते हैं। इसलिए इनके जीवन में आज हम देखते हैं हमारे दुनिया में आज शांति का वातावरण है। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। जैसे मैंने कहा कि यदि आपके पड़ोस में कोई आपको तकलीफ दे रहे हैं तो आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। आपको वहाँ पर उनके उनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, उनसे झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ जाकर गाली देने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट में जाकर शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस वाला के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रभु के पास आइए, प्रभु ईसा मसीह के पास आइए, प्रभु के पास आइए, प्रभु आपको उस बंधन से मुक्त कर देगा, प्रभु वहाँ पर आपके लिए कार्य करेंगे। हालेलुया, ये अनुभव है, ये अपने अनुभव से हम महसूस कर सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो न्यायी पिता है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। जब भी न्याय के लिए हम प्रभु के द्वार पर खटखटाएंगे तो प्रभु वहाँ पर हमारे लिए न्याय दिलवा देंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जीवन में आपको परेशानियों को परेशानियों से गुजरना पड़ता है, आपके परिवार में आपको बहुत सारे समस्याएं हैं, आप कोई कोई बात नहीं, आप प्रभु की ओर आइए, ईसा मसीह की तरफ आइए, प्रभु के सामने अपना जीवन रखें, अपनी आवश्यकताओं को रखें, अपनी गरजों को रखें, अपनी समस्याओं को रखें। प्रभु आपकी सुधि लेते हैं, प्रभु आपकी तरफ देखते हैं, आपको जानते हैं, आपको हृदय को पहचानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आपको अपनी मुसीबतों से, अपनी तकलीफों से उठाकर प्रभु आपको एक नया जीवन प्रदान करेंगे, आपके जीवन में फिर खुशियाँ लौटा देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, कुछ महीने पहले अमेरिका से मुझे एक फ़ोन आया था, वहाँ पर एक ऑपरेशन होने वाला था, एक कठिन कॉम्प्लिकेटेड ऐसा एक ऑपरेशन होने वाला था। उन्होंने प्रार्थना मांगी, उस दिन जिस दिन ऑपरेशन होने वाला था उस दिन मैं परम प्रसाद की आराधना रखते हुए उनके सामने बैठकर मेरे टीम मेंबर्स के साथ हमने प्रार्थना की। लेकिन कुछ घंटे के बाद वहाँ से फ़ोन आया कि ऑपरेशन पूर्ण रूप से सक्सेस हो गया है, सक्सेस हो गया, सफल हो गया है। प्यारे भाई और बहनों, आप जहाँ भी बैठे वहाँ बैठकर यदि प्रार्थना करें तो ज़रूर आपको प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। इस दुनिया के अनेक अनेक भागों में लोग प्रार्थना करते रहते हैं, लोग इस दुनिया में कहीं भी हो, किसी भी देश में क्यों ना हो, किसी भी प्रांत में क्यों ना हो, किसी भी धर्म का, जाति पात का क्यों ना हो, आप उनके लिए यदि प्रार्थना करें तो ज़रूर प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्यारे भाई और बहनों, विश्वास के साथ प्रार्थना करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। नामुमकिन ऐसा एक शब्द विश्वास करने वाले व्यक्ति के जीवन में नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परम पावन ईश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों के साथ रहते हैं जो विश्वास करते हैं। जो लोग विश्वास करते हैं उनके साथ परमेश्वर का शक्तिमान हाथ रहता है,
सामर्थ्यवान हाथ रहता है, परमेश्वर का हाथ जिसके साथ है उन्हें जरूर आशीर्वाद मिलेगा, उन्हें ईश्वर की कृपाएं प्राप्त होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से विनती करें, प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं इन लोगों के लिए आपके सामने हाथ पसारता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ इन्हें आशीर्वाद दीजिए। प्रभु आप कितने ही दूर रहने वाले व्यक्ति के लिए प्रार्थना क्यों ना करें, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेंगे। आप विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, आप विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, आपका विश्वास देखकर प्रभु उनके जीवन में कार्य करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का संदेश यह है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें जो दुखी हैं, जो दीनहीन हैं, जो दरिद्र हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास कोई नहीं है, जिन्हें मदद करने के लिए कोई नहीं है, जो लोग अत्याचार सहते हैं, जो लोग भूखे हैं उनके लिए हम भी प्रार्थना करें, जो लोग बीमार रहते हैं, जो लोग पलंबर पड़े हुए रहते हैं उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें तो ज़रूर प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेंगे। इस तरह हम अपने घर बैठे बैठे हम प्रचार कार्य भी कर सकते हैं, अपने घर बैठे बैठे हम ईश्वरीय राज्य की घोषणा कर सकते हैं, प्रभु के कार्य में हम सहभागी हो सकते हैं, सहभागी हो पाते हैं दूसरों के लिए प्रार्थना करते हुए, कार्य करते हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनेक संतों ने ये प्रार्थना की है, अनेक संतों ने इस तरह अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पण किया है। ये एक प्रार्थना एक शक्तिशाली हथियार है, एक शक्तिशाली हथियार है। विश्वास के साथ जब हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थना सुनकर उनको आशीर्वाद देंगे। इस हथियार का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, इस प्रार्थना का हथियार का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। इस दुनिया से लड़ने के लिए, शैतान से लड़ने के लिए, इस संसार के बुराइयों से लड़ने के लिए प्रार्थना रूपी इस हथियार को हमें उठाना चाहिए, हाथ में लेना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, उनका विश्वास देकर ईसा ने उन्हें चंगा किया, उनका विश्वास देकर उस अर्धांग रोगी से ईसा मसीह ने कहा, उठो अपने चटाई लेकर, अपने पलंग उठाकर निकल पड़ो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनकर हम सबको आशीर्वाद देंगे। आइए हम प्रार्थना करें, आज जहाँ भी हो मेरे साथ इस वक्त प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु ईसा मसीह, मैं आपके सामने इन सभी लोगों को रख देता हूँ जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। प्रभु इन्हें आपका आशीर्वाद इन पर बरसाइए, प्रभु आपकी बरकत इन पर बरसाइए, प्रभु अपना पवित्र हाथ बढ़ाकर इनमें से हर एक व्यक्ति को छू लीजिए। प्रभु हे प्रभु यीशु, तूने दूसरों का विश्वास देकर अनेक लोगों को चंगा किया है। आज इन लोगों से मिलकर हम विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूँ, जिन जिन लोगों को हम आपके सामने रख देते हैं उन्हें आशीर्वाद दीजिए। प्रभु इसी वक्त आपका पवित्र सामर्थ्य उन पर उतरे, उनका पवित्र सामर्थ्य उन्हें प्राप्त हो, उन्हें पवित्र हाथ का स्पर्श उन्हें मिले, वो पूरी तरह वो चंगे हो जाए, सब प्रकार के दुख तकलीफ बंधनों से उन्हें छुटकारा मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु का पवित्र लहू का सामर्थ्य से सभी प्रकार के बीमारियों से हमें छुटकारा मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।